जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि जल्दी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल रंग का नीचे बटन दिखाई देता है उसे छूने से सफ़ेद हो जाएगा, एक ही बार ऐसा करना होता है। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं गोमती चक्र पर। यूँ तो तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आती है, लेकिन गोमती चक्र का अपना एक विशेष स्थान है। गोमती चक्र मित्रों सबसे कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में निकलता है। विभिन्न तांत्रिक कार्यों तथा असाध्य रोगों में इसका प्रयोग होता है। असाध्य रोगों को दूर करने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लगभग 10 गोमती चक्र लेकर रात को पानी में डाल देना चाहिए, सुबह उस पानी को पी जाना चाहिए। इससे पेट संबंधी विभिन्न रोग दूर होते हैं। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखने चाहिए। उनके सामने ओम श्री नमः का जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और सफलता प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को उत्साह के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी। गोमती चक्र को यदि चांदी अथवा किसी अन्य धातु के डिब्बे में सिंदूर तथा अक्षत डालकर रखें तो ये शीघ्र फलदायक होते हैं। होली, दीपावली तथा नवरात्रा आदि पर गोमती चक्रों की विशेष पूजा की जाती है। अन्य विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर भी इसकी पूजा लाभदायक मानी जाती है। सर्वासिद्धि योग हो, रवि पुष्य योग आदि के समय पूजा करने पर भी ये गोमती चक्र बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण मित्रों।